اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بسم الله الرحمن الرحيم صوبانا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار إصابتان تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ اکبر تعالیٰ وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ بارک تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے غزوہ ہند کے حوالے سے کچھ معلومات جو ہیں وہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو غزوہ ہند کی خوشخبری جو ہے وہ عطا فرمائی اور پہلے دن سے جب حضرت حارث بن فہر حارث بن مرہ فہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پہلی مرتبہ مکران کے علاقوں پر جو تھا وہ آگے حملہ کیا اور اس عظیم سعادت کو پایا تب سے لے کے آج تک
जितने भी मुसलमान हुकमरान, मुसलमान आर्मी चीफ, सिपा सादात, जिन्होंने भी हुजूर अलैहिस्सलाम के उस फरमान को बशारत पाने की नियत और इरादा से इन इलाकों में आए और आकर जिहाद किए और दीन इस्लाम को आगे बढ़ाने और फैलाने की काविश और कोशिश की, उलमा के नज़दीक वो सारे लोग जो हैं वो इस बशारत से इंशाअल्लाह ज़रूर फैज़याब होंगे। मगर ग़ज़वा हिंद की तकमील जो है वो अभी बाकी, वो अहदीस पाक जो है वो भी अपनी तफसीलात के साथ जो है वो कुतुब के अंदर मौजूद है, क्योंकि उसके आखिरी जो हिस्सा होगा ग़ज़वा हिंद का, जिसमें उस हदीस पाक की बशारत मुकम्मल हो जाएगी, वो मंजर और वो अजीम ग़ज़वा जो है वो बिल्कुल क़ुर्बे क़ियामत में जाकर होगा। और हज़रत सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम उनके दौर में उस हदीसे पाक की तकमील हो सकेगी, क्योंकि उस हदीसे पाक के साथ बकिया जितनी रिवायात मौजूद हैं और जो उसकी तफसीलात मौजूद हैं उन सारे अहवाल को एहतियात के साथ पढ़ें तो यही मंजर नज़र आता है कि हुक्म की तकमील जो है वो अभी बाकी है और ग़ज़वा हिंद की तकमील जाके हज़रत सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम के दौर में होगी, क्योंकि बिल्कुल क़यामत के करीब दौर है। और गुज़श्ता मरतबा भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अहादीस को पढ़ते हुए सुनते हुए इस तरफ भी ध्यान ज़रूर रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी को कैसा अज़ीम व शान इल्म जो है वो अता फरमाया था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम क़यामत तक होने वाले तमाम अहवाल को हुजूर जानते भी थे और बकदर ज़रूरत जो उम्मत के लिए लाजिम था उसकी हुजूर अलैहिस्सलाम ने उम्मत को इत्तला भी इरशाद फरमाई। बोलिए हुजूर की शान सुन के आप इस अजमत को जानिए ना भाई, हमें तो कल की खबर नहीं होती, शाम की खबर नहीं होती, लम्बे बस की बात की खबर नहीं होती। तो मुकाम नबूवत ऐसा मुकाम मरतबा है कि जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सलाम को आपकी हयात ज़ाहिरी के बाद दुनिया में जो कुछ होने वाला था हुजूर को अल्लाह ने उसका इल्म जो है वो अता फरमा दिया। जैसे एक मशहूर रिवायत है मौला कायनात हज़रत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका भी जिक्र पाक हो जाएगा। आपको पता है कि रजब की 13 तारीख को आपका यौम है जो है वो पैदाइश है हज़रत मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी मुकाम पे खिताब फरमा रहे थे और खिताब में आप बयान फरमा रहे थे बरज़ख के हालात। क्या बयान फरमा रहे थे? मौजूदा बरज़ख के हालात के कब्र में क्या होगा, कब्र में अज़ाब कैसे होगा, कब्र में सवाब कैसे होगा, कब्र में किस किस अमल की बिना पे क्या क्या अज़ाब होगा, किस किस अमल की बिना पे क्या क्या अजर दिया जाएगा, बरज़ख के हालात को आप बड़ी डिटेल के साथ जो है वो इरशाद फरमा रहे थे। एक शख्स की जितमा में सूटा उसने हाथ खड़ा किया, हुजूर मेरा एक सवाल है, आपने कहा मैं बोलूँ। उसने कहा हुजूर लगता इस तरह है जितनी तफसील के साथ एक एक चीज़ की तफसील डिटेल और एक एक लम्हा लम्हा बयान कर रहे हैं तो आपके बयान करने से तो यूं लगता है कि शायद आप बरज़ख देख कर आए हुए, शायद आप बरज़ख, क्योंकि जितनी डिटेल आप दे रहे हैं फिर ऐसे होगा, फिर उसकी साइड पलटी जाएगी, फिर ये सवाब दिया जाएगा, ये अजाब दिया जाएगा, फिर बिठाया जाएगा, फिर मिटाया जाएगा, फिर यूं होगा, फिर यूं। जितनी डिटेल आप बता रही से तो लगता है आप आलमी बरज़ख से होके तो वापस आए। तो मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में इरशाद फरमाया, आपने फरमाया सुनो अली अगर 70 मरतबा भी आदमी बरज़ख में जाता और 70 मरतबा वापस आता तो अली को
अपने देखने पे उतना यकीन न होता जितना अली को सुबाने पाके मुस्तफा पे यकीन है। मैं हम तो बयान करें कि हुजूर ने फरमा दिया है, हम तो बयान करते हैं कि हुजूर ने फरमा दिया है, पर मैं अली को कभी भी खुद जाके देख के भी हालात के ऊपर इतना यकीन नहीं आ सकता। पर मैं जितना यकीन हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की जुबान का कदस दिया, यानी कायनात जेर जबर हो सकती है, हम ये मान सकते हैं कि जमीन आसमान हो सकती है, आसमान जमीन हो सकता है, हम ये भी मान सकते हैं। सूरज रोज लाखों सालों से मशरक से निकलता, सुबह कोई कहना मगरब की तरफ से निकलेगा, हम ये भी मान सकते हैं। हम कायनात की हर नामुमकिन चीज को मुमकिन मान सकते हैं, मगर हम ये नहीं मान सकते कि जो कुछ सुबाने पाके मुस्तफा से निकला वैसा ना हो, ये हम कभी नहीं मान सकते। चूंकि ये नबूवत के दराए में से दलील होती है कि नबी की जुबान से जो कुछ निकलता है कायनात में वैसे हो के रहता। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम के फरामीन पर और हुजूर की अहदीस पर और हुजूर के इरशादात पर हमें अपने जिंदगी और अपने जिंदा होने से भी ज्यादा यकीन हमें हुजूर के फरमान पर। इसलिए हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये आपसे भरी हदीस पाक है और ये सुनन नसाई शरीफ के अंदर भी है और मुसनद अहमद के अंदर भी है और ये गज़ब हिंद के हवाले से जो अहादीस हैं ये कमोबेश हदीस और तारीख की मोतबर तरीन 20 कुतुब के अंदर कमोबेश ये रिवायत पाई जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, क़ाला वअदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बतन हिंदी। फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमसे ग़ज़वा-ए हिंद का वादा फरमा लिया है। सुभान अल्लाह, ये हुजूर ने वादा फरमाया अपनी उम्मत के साथ कि मेरी उम्मत लाजमी हिंदुस्तान पहुंचेगी और लाजमी मेरी उम्मत हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद करेगी। फरमाते हैं वादाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतल हिंद, हुजूर ने हमारे साथ ग़ज़वा-ए हिंद का वादा फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम के वादे के साथ हजरत अबू हुरैरा क्या फरमाते, फैन अदरकतुहा उन्फिक फीहा नफसी व माली। हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैंने उस ग़ज़वा हिंद को पा लिया तो मैं क्या करूंगा, उन्फिक फीहा नफसी व माली, तो मैं उसमें अपनी माल और जान को खर्च करूंगा, अपनी माल और जान को खर्च कर दूंगा। एक और रिवायत में इन अल्फाज से ज्यादा डिटेल है, आप इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैंने ग़ज़वा-ए हिंद को पा लिया तो मैं अपना माल और अपने बाप की तरफ से जो विरासत मिली होगी वो भी खर्च कर दूंगा और जितने वसाइल मेरे पास होंगे सारे के सारे ग़ज़वा-ए हिंद में शरीक होने के लिए मैं उनको खर्च कर दूंगा, नफसी और अपनी जान भी खर्च करूंगा, यानी कोशिश करूंगा कि मैं ग़ज़वा-ए हिंद में लाजमी तौर पर जा पहुंचू। आगे क्या इशारा फरमाते हैं, इन उतिल्तु कुंतु अफ़दलश्शुहदा। फरमाते हैं अगर मैं अबू हुरैरा ग़ज़वा-ए हिंद में शहीद हो गया तो जहन में रखना कुंतु अफ़दलश्शुहदा कि मैं अफजल तरीन शुहदा में शामिल हो जाऊंगा, अफजल तरीन शुहदा में शामिल होगा। बइन रजअतु फअना अबू हुरैरतल मुहर्रर, और अगर मैं ग़ज़वा-ए हिंद में जिहाद के बाद जिंदा वापस आ गया तो मैं जहन्नम से आजाद किया हुआ अबू हुरैरा हूं। इसमें तीन चीजें हैं जिनका हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इरशाद फरमाई। पहली, सारी उम्मत के लिए नसीहत यह है कि अगर किसी को ग़ज़वा-ए हिंद नसीब हो सके और वो उस वक्त जिंदा हो, और यही इल्म अमानत है जिसको आगे आपने और मैंने हमने अपनी नस्ल तक पहुंचाना है। फरमाया अगर कोई शख्स उस वक्त जिंदा मौजूद हो तो उसे चाहिए क्या जो हजरत अबू हुरैरा चाह रहे हैं, उसको वही चाहिए
कि वो कोशिश करके गज़वा हिंद में शामिल भी हो और अपनी जान माल सारे वसाइल को लेकर तो अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए मैदान अमल में आ जाए। फिर जब वो मैदान जंग में चला जाए और अगर वो शहीद हो जाए तो फरमाया गया कि बशारत यह है कि गज़वा हिंद में शहीद होने वाले शुहदा अफजल तरीन शुहदा में शामिल होंगे, अफजल तरीन शुहदा के अंदर उनका शुमार किया जाएगा क्या मतलब। और तीसरी चीज फरमाया जो गज़वा हिंद के गाजियान होंगे जो जिहाद में शिरकत करेंगे और जिंदा वापस आ जाएंगे उनके लिए भी कम से कम बशारत ये है कि गज़वा हिंद में शमूलियत से अल्लाह तबारक व तआला उनको दोज़ख की आग से आजाद फरमा देगा, उन्हें दोज़ख की आग से आजाद फरमाया देगा। जैसा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस हदीस पाक में जो हजरत सुबान रजी अल्लाह ताला अन्हु से नकली है, फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया असाबतान मिन उम्मती अहरजहुम अल्लाह मिनन नार, फरमाते हैं दो गिरोह ऐसे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिनके साथ अल्लाह ने वादा फरमा लिया है कि अल्लाह करीम उन्हें दोज़ख की आग से महफूज रखेगा, इसाबतुन तज़ुल हिंदा व इसाबतुन तकूनु मा इसबनी मरियम, फरमाया एक गिरोह वो है जो इंडिया पर हिंदुस्तान पर हमला करेगा और दूसरा ग्रोह वो है जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का साथ देगा। फरमाया ये जो मेरी उम्मत के दोनों लश्कर हैं ये जो दोनों ग्रोह हैं उनसे अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमा दिया है, अल्लाह करीम उन्हें दोज़ख की आग से रिहाई अता फरमा दी। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो आपने ये शर्फ में इसकी मजीद डिटेल जो है वो भी एक मुकाम पर मौजूद है उसको जो है वो मैं साथ साथ जो है वो अर्ज करता हूं। आगे तो यहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ये हदीस पाक और रिवायत जो है ये जिन कुतुब के अंदर आई हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस आखिरी गज़वा हिंद के हवाले से इरशाद फरमाते हैं और हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी एक हदीस पाक के रावी और हजरत इमाम हम्माद बिन अबू नुऐम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने इस हदीस पाक को अपनी किताब में रिवायत किया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा एक लश्कर जो है वो जरूर हिंद पर हमला आवर होगा, तुम्हारा एक लश्कर जरूर जो है वो हिंद पर हमला आवर होगा। हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जिस हदीस पाक की रवायत फरमाते हैं वो उसमें मजीद डिटेल और तफसील है वो इरशाद फरमाते हैं कि एक बादशाह जो है मुसलमान वो बैतुल मकदस से हिंद की तरफ लश्कर को रवाना करे, वो कहां से रवाना करेगा लश्कर को बैतुल मकदस से रवाना करेगा, किस तरफ को रवाना करेगा हिंदुस्तान की तरफ इंडिया की तरफ उसको रवाना करेगा। ये वो आखिरी गज़वा हिंद है जो कुर्बे कयामत में जाकर होगा, उसकी पहली निशानी और अलामत इस बात को समझिए कि वो लश्कर जो मुसलमान हुक्मरान रवाना करेगा वो रवाना करेगा बैतुल मकदस से। लश्कर कहां से रवाना होगा बैतुल मुकद्दस से रवाना होगा। और अभी जितनी हमारी जिंदगियां थोड़ी बहुत रह गई हैं अल्लाह करीम ही बेहतर जानता है कि कितनी जिंदगी बाकी है, लेकिन जो इंटरनेशनल हालात है वो नजर आ रहे हैं अभी तक तो दूर तक भी ऐसा कोई गुमान नहीं है, अल्लाह की जात बेनियाज है जो चाहे जिसमें चाहे कर दे, लेकिन अभी तो बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों का कब्जा। इस हदीस से पाक और इन रिवायात से ये भी पता चलता है कि वो जो गज़वा हिंद होगा उससे पहले पहले मुसलमान जो हैं वो बैतुल मकदस से यहूदियों का तसल्लत ये इंशाअल्लाह खत्म करवा चुके होंगे, वो खत्म हो चुका होगा और बैतुल मकदस के इलाके पर इस सारे इलाके पर मुसलमानों की हुकूमत होगी तो हुक्मरान लश्कर रवाना करेगा ना। अब बात समझ सकते, यानी अगर हुकूमत ही नहीं तो लश्कर कैसे रवाना होगा,
वो जो आखिरी गजवे हिंद होगा वो लश्कर रवाना किया जाएगा बैतुल मकदस से। कहां से रवाना होगा? बैतुल मकदस से। और बैतुल मकदस से दीगर रिवायात के मुताबिक उस लश्कर को रवाना करेंगे कौन? सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम को रवाना करेंगे। को रवाना करेगा सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम को, उसको रवाना करेंगे। क्योंकि ये लश्कर जब हिंदुस्तान पर हमला आवर होगा, ये भी नहदी से बाकी तो जो है वो सारा कुछ मौजूद है, वक्त की कमी की बिना पर मैं सारा निचोड़ और मगज जो है वो खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। क्योंकि ये लश्कर जब हिंदुस्तान पे हमला आवर होगा तो अल्लाह करीम इसको फतह अता फरमाएगा, अल्लाह करीम इसको फतह अता फरमाएगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम का वो फरमान भी पूरा होगा। ये बात सुन लीजिए, दो अहदीस इस वक्त का मेरे सामने हैं। हुजूर ने फरमाया कि वो लोग जो हैं अल्लाह करीम जो हिंद पर हमला करेंगे बैतुल मकदस से आएंगे, अल्लाह करीम उन्हें फतह अता फरमाएगा और ऐसी फतह अता फरमाएगा कि वो हिंदुस्तान के बादशाह को बेड़ियां डालकर और बेड़ियों में जकड़ कर फरमाया बि मुलूक ही हत्ता यक्तु बि मुलूक ही मुखल्लिलीना बिसलासिली। हुजूर ने फरमाया उन्हें बेड़ियों में जकड़ कर बैतुल मक़दस में मुसलमान हाकिम की बात हमें पेश कर दिया जाए। इतनी अजीम शान अल्लाह की फतह अता फरमाएगा कि वो सारे मसाइल होने के बावजूद उनका हुक्मरान भाग नहीं सकेगा। फरमाया कि उम्मत मुसलमान के जो जो लश्कर हैं जो वहां पर जाएंगे, फरमाया उसको बेड़ियों में जकड़ लेंगे और जकड़ के जब वापस फलस्तीन पहुंचेंगे तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो चुका होगा। इन दो वाक्यात के दरमियान ये वाक्या होना, सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम उनके ज़ुहूर के बाद, उनके ज़ुहूर के बाद और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से नुज़ूल से पहले। अब आपको बात की समझ आ रही है? सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के बाद, उनके ऐलान के बाद और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से नुज़ूल से पहले अल्लाह करीम मुसलमानों को ऐसी अज़ीम शान फतह अता फरमाएगा कि वो हिंद पर हमला आवर होंगे, फतह पाएंगे। रिवायत के अंदर है कि हिंद के खजानों को रौंद डालेंगे। क्या करेंगे? रौंद डालेंगे वहां के खजानों, यानी अल्लाह करीम अज़ीम शान फतह अता फरमाएगा, उसकी जमीन को रौंद देंगे, खजाने को हासिल करेंगे। और यहां तक रिवायात के अंदर है कि वो हिंदुस्तान से जो खजाना हासिल करेंगे उसका जेवर और उसका गोल्ड जो है उससे बैतुल मकदस की तजीनो आराइश का काम लिया जाएगा। इतनी अजीम शान पता होगी। इंडिया से हिंदुस्तान से जो खजाने हासिल करेंगे वो उठा के भी बैतुल मकदस ले जाएंगे और वो जेवर हुजूर ने फरमाया रिवायात के अंदर वो वहां पर लगेगा। हजरत सैयदना इमाम महदी जो हैं, ये बात भी जो है वो याद रख लीजिए, सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम उनके हवाले से जो उम्मत मुस्लिमा का अकीदा है, क्योंकि इसमें बाज़ वक़्त बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है और बाज़ गुमराह लोग उसमें कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, लोगों ने अच्छी खासी की हुई इस बात को समझिए कि हमारा अकीदा क्या है। मुसलमानों का अहले इस्लाम का अकीदा ये है कि सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो है उनकी पैदाइश हो, उनकी क्या होगा? उनकी पैदाइश होगी। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इमाम महदी जो हैं वो मेरी औलाद से होंगे, वो हुजूर की औलाद से होंगे। एक निशानी और भी इरशाद है, हुजूर का इल्मे पाक देखिए, सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि महदी जो हैं उनका नाम मेरे नाम पर होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद गिरामी के नाम पर होगा। ये निशानियां हैं, इनको जेल में बिठा लीजिए, अपनी औलादों को सिखा दीजिए, जुबानी याद करा दीजिए, क्योंकि महदी होने के बड़े दावेदार तारीख में हुए हैं, आज भी हैं, आइंदा भी कई गुमराह लोगों को गुमराह करते रहे, हत्ता के ईसा होने के दावेदार भी मौजूद हैं, उनके मानने वाले फॉलोअर मौजूद हैं, आज तक मौजूद। हुजूर ने फरमाया महदी गैर सैयद नहीं होगा, इमाम महदी गैर सैयद फैमिली में पैदा नहीं होगा। फरमाया मेरी औलाद से होगा और फरमाया कि महदी का नाम यानी मेरे नाम पर मोहम्मद उनका नाम होगा
और उनके वालिद का नाम मेरे वादी ग्रामी के नाम पर यानी अब्दुल्ला होगा। और जब सारी दुनिया ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम के, ये मैं कभी तफसील में अगर अर्ज कर सकूं मगर वो तो जुमले सुनिए, सारी दुनिया मीनार के अंदर होगी उस साल जिस साल हजरत इमाम महदी का जहूर होगा, सारे लोग मीनार में हज करेंगे और वो हज जो है हुजूर ने फरमाया वो हज बगैर इमाम के होगा। हज होगा कुर्बे कयामत में और हज बगैर इमाम के होगा और मीनार के अंदर हाजी आपस में लड़ेंगे और हुजूर ने फरमाया हजारों लाखों उस लड़ाई के अंदर मारे जाएंगे जब हजरत इमाम महदी का जहूर होगा। और निशानी में से भी निशानी आकाई गालम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि जब मेरे बेटे महदी का जहूर होगा उससे पहले जो आखिरी रमजान गुजरेगा, उससे पहले जो आखिरी रमजान गुजरेगा उस रमजान में चांद को दो दफा ग्रहण लगेगा। कोई आपको बरगलाता ना मेरे फुना में अजीब हो गया या फुना था या फुना ऐसे था या फुना वैसे था, ये मैं अहदीस की रोशनी में हर चीज दर्ज कर रहा। फरमाया कि उस रमजान जो आखिरी रमजान होगा उनके जहूर से पहले उस रमजान और मुबारक में चांद को एक महीने में दो दफा ग्रहण लगेगा। फरमाया फिर उससे पहले जो आखिरी हज होगा उस हद में मीना के मुकाम पर मुसलमान लड़ पड़ेंगे। देखिए हम कितने सख्त दिल हो जाएंगे, मीना को लड़ने वाली जगह थोड़ी। फरमाया लड़ेंगे हजारों लाखों का खून बह जाएगा। उस वक्त फरमाया इमाम महदी अलैहिस्सलाम खाने काबा में होंगे, वो मीना में तशरीफ फरमा नहीं है। मुसलमानों का कोई खलीफा इंतकाल कर जाएगा, हुजूर ने फरमाया, और वो जब इंतकाल करेगा तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस कैफियत में होंगे कि कहीं लोग उन्हें खलीफा मुकर्रर ना कर लें, हुक्मरान ना बना लें, हुक्मरानी से बचते फिरेंगे वो अपनी तबी के एतबार से और इस ख्याल से कि कहीं लोग मेरे हाथ पर बैत ना कर लें, इस खौफ से फरमाया वो पहले मदीने मुनव्वरा में होंगे तो वहां से हिजरत करके मक्का मुसम्मा आ जाएंगे, क्योंकि खलीफा इमाम मौजूद नहीं हुआ इसलिए मुसलमान बगैर इमाम के हज करेंगे। वो मदीना मुनव्वरा से इस ख्याल से निकल जाएंगे, हुजूर ने फरमाया मैं कुर्बान जो हुजूर के इल्म पर ना तो इमाम महदी पैदा हो गए ना उनके भी वालदैन पैदा हो गए, उनके दिल में जो ख्याल आएगा हुजूर को अल्लाह ने उसका भी इल्म अता फरमा रखा। हदीस फरमाया ख्याल ये करेंगे कहीं लोग उनके हुक्मरान ना बना दे, मदीना छोड़ के मक्का आ जाएंगे। आगे हज के दिन होंगे, काबे मस्मा में रहेंगे, मीना पे नहीं तशरीफ लेके जाएंगे, मीना में कत्ल खून होगा। उस वक्त लोगों में से कुछ लोग हजरत इमाम महदी मक्का मुसम्मा में अपने घर में होंगे, उनको पहचान कर खाने काबा लाएंगे। फरमाया जितने मेरे मुजाहिद ग़ज़वे बदर में थे 313 अफराद का पहला लश्कर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस पर, फरमाया मुकामे इब्राहिम और हजरे असद के दरमियान उनके दस्ते अक़दस पर बैत कर रहे। और जिस बंदे को सारी उल काबा जाने की तौफीक नहीं हुई वो भी इमाम महदी बनने का दावेदार था, मर गया 100 साल पहले, जो सारी उम्र इंडिया में रहा और सारी उम्र हिंदुस्तान में रहा, उसने भी हकीम उसने भी कहा कि मैं महदी होता। और गैर सैयद घर में पैदा हुआ उसने भी कहा मैं महदी होता, और लोगों ने लाखों की तादाद से माना होता। ये मैं निशानी अर्ज कर रहा हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इमाम महदी जाहिर होंगे और कुर्बान जो हुजूर के लिए में बाग हुजूर ने फरमाया बड़े खूबसूरत होंगे। क्या फरमाया? बड़े खूबसूरत होंगे। पर इल्मे पाक मुस्तफा पे कुर्बान फरमाया उनके दाएं रुखसार पर तिल होगा और उनको बड़ा सोना लगेगा। कैसे इल्मे पाक फरमाया उनके दाएं रुखसार पर तिल भी होगा जो उनकी खूबसूरती का बायस होगा। तो हजरत इमाम महदी हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद से होंगे, इमाम महदी अलैहिस्सलाम हुजूर की औलाद से। कभी तारीख में ये सबक अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ा जाओ कि कभी तारीख में कोई शख्स, यानी अगर किसी शख्स में 99 निशानियां पूरी हो ना, 99 निशानियां, और कोई एक निशानी जो हुजूर ने इरशाद फरमाया वो पूरी ना हो, हम उसको सारा कुछ मान सकते हैं मगर महदी मानेंगे। पहली निशानी वो सैयद होंगे, हुजूर की औलाद से होंगे।
دوسری نشانی فرمایا کہ ظہور سے پہلا جو آخری رمضان ہوگا آسمان کے چاند پہ دو دفعہ گرہن لگے گا. تیسری نشانی فرمایا وہ ایسا حج ہوگا ان کی آمد سے پہلے ظہور سے پہلے کہ اس حج میں مسلمان کا کوئی امام موجود نہیں ہوگا, کوئی حکمران موجود نہیں ہوگا عرب کی سرزمین پر. اگلی نشانی فرمایا اس خیال سے کہ کوئی بندہ انہیں حکمران بنا نہ دے وہ مدینہ سے مکہ میں مکہ مکرمہ آ جائیں گے, جب یہاں بھی آئیں گے تو یہاں پہ پہچان لیے جائیں گے. اور 313 افراد کا پہلا گروہ آپ کے دستے اقدس پر بیعت کرے گا مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان لگ جائے گا, اور پھر اس سمن کے شام تک بھی شہرت پہنچے گی. لوگوں کو اچانک معلوم ہو جائے گا کہ حضرت اب تو اچانک کا معاملہ ختم ہو گیا نا, ابھی تو ہر چیز آن لائن ہے. اب آپ سمجھ گئے ہیں جب اس دور میں ہر چیز آن لائن ہے تو وہ خدا جانے تک کون کون سی ٹیکنالوجی دنیا میں نہیں, ساری دنیا کو خبر ہو جائے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو گیا. حضرت امام مہدی عقیدہ اسلام سیکھ لیجیے, حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے. کیا حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے؟ اگلی چیز حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں, جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے, یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نزول فرمائیں گے, آپ آسمانوں سے نزول فرمائیں گے. سو جو شخص آج ہمارے باپ دادا کے سامنے جو شخص کسی کے گھر میں پیدا ہوا اس سے بڑے ہو کے 10 کتابیں اکثر پڑھی دوسرے لوگوں سے اور اس نے یہ کہا کہ میں وہی عیسیٰ ہوں جس کا حضور نے تم سے وعدہ کیا تھا, وہ شخص جھوٹا ہے, کذاب ہے, گمراہ ہے, بدبخت ہے, اس لیے کہ ہمارا اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوں گے. عقیدہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتارے جائیں گے اور جس عمر پاک میں انہیں اٹھایا گیا تھا, کم و بیش مختلف روایات کے مطابق آپ کی عمر پاک کم و بیش 33-34 سال تھی جب آپ کو آسمان پہ اٹھایا, اس عمر پاک کے مطابق آپ آسمانوں سے نزول فرمائیں گے اور نزول فرمائیں گے سیریا میں. کہاں نزول فرمائیں گے؟ سیریا میں, اور دمشق میں نزول فرمائیں گے. کہاں نزول فرمائیں گے؟ دمشق میں نزول فرمائیں گے. اب حضور کا علم پاک دیکھیے, سبحان اللہ, حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے, سبحان اللہ, حضور کا کیسے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے, میں تمہیں وقت بھی ارشاد فرماتا ہوں, فرمایا اتریں گے اس وقت جب وقت سحر ہوتا ہے, فرمایا سحری کے وقت اتریں گے اور آسمانوں سے اتریں گے. اب علم پاک مصطفیٰ سنیے, فرمایا جب اتریں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے جو مبارک ہاتھ ہیں وہ فرشتوں کے بازوں پر ہوں گے تو نیچے تشریف لے آئیں گے. اگلی بات سنیے, فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو ان کے بال جو ہیں, بال مبارک جو ہیں, وہ یوں لگ رہے ہوگا جیسے ابھی آپ غسل کر کے دوبارہ نکلے ہیں, بالوں سے پانی نیچے جو ہے وہ گر رہا ہوگا. اگلی علامت سنیے, فرمایا اگلی علامت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے, سبحان اللہ, حضور کے علم پاک فرمایا انہوں نے یلو کلر کا جوڑا پہنا ہوا ہوگا, کتنا وسیل مطلب پانی. فرمایا دمشق کے مشرقی مینار پر اتریں گے ریڈ رنگ, اور اس کی ڈائریکشن بھی بتائیے کہ مسجد کا مشرق مغرب شمال جنوب چار کونے ہوتے ہیں. فرمایا جو مشرقی مینار ہوگا, مشرق والی سائڈ پہ جو مینار ہوگا اس مینار پر اتریں گے اور آگے انتہائی اعلیٰ جو علم اللہ پاک نے حضور کو عطا فرمایا اس کی مثال ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کمال بات ہے حضور کے علم پاک, حضور نے فرمایا کہ حالت یہ ہوگی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے بیت المقدس نہیں دمشق, دمشق کی اس جامع مسجد میں فجر کی جماعت کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی, اذان ہو چکی ہوگی, لوگ سنتے پڑھ چکے ہوں گے, اقامت ہو چکی ہوگی, اقامت کے بعد بس لمحہ ہی لگتا ہے مصلی پہ آنے میں. فرمایا اقامت ہو چکی ہوگی تو اس دوران اقامت اور جماعت کا جو درمیانی عرصہ ہے اس عرصے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نزول فرما دیں گے. فرمایا اس عرصے میں آسمانوں سے زمین کے اوپر نزول فرما دیں, تو جو لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ اس وقت تک بیت المقدس اور ان علاقوں میں پورے قابض ہو چکے ہوں, وہ عرض کریں گے حضور آئیے آپ تشریف لے آئے ہیں, نماز آپ پڑھائیے,
अब आप तशरीफ ले अब नमाज आप पढ़ाइए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम इशारा फरमाएंगे, हुजूर ने खुद फरमाया और खुशी से ये फरमाया, क्योंकि हदीस पाक में फरमाया कैसी हालत अजीम शान तुम्हारी होगी, फरमाया वो कैसा मंजर होगा कि तुम्हारे अंदर ईसा इब्ने मरियम भी मौजूद होंगे और तुम्हारा इमाम तू ही में से होगा। वो जमात नहीं करवाएंगे, वो जमात नहीं करवाएंगे। फरमाया जिसके लिए इकामत हो चुकी वही इमाम नमाज पढ़ाएगा। तो अपनी पहली नमाज हजरत सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ेंगे। ये मैं इस कर रहा हूं कि जब ग़ज़वा हिंद हो जाएगा तो ग़ज़वा हिंद के बाद जब लश्कर जो है वो पहुंचेंगे ग़ज़वा हिंद को फतेह करने के बाद जब पहुंचेंगे और वहां पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से नुज़ूल हो चुका होगा। आपने जो हुजूर अलैहिस्सलाम से ग़ज़वा हिंद का बार बार सुना ना, और ये भी सुना कि वो लश्कर वापस फतह पा के जाएंगे, जब वापस जाएंगे तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो चुका होगा, तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की बात में क्या जिक्र किया, या आखिरी जुमला इश्क व मोहब्बत है वो आपको सुनाता हूँ तो बात खत्म है। हजरत अबू हुरैरा ने सारी तफसील सुनी तो हुजूर की बात में उसके हुजूर जब ग़ज़वा हिंद होगा, सहाबा का शौक देखिए कि हुजूर से बात सुनते थे तो उनके सीने शौक में भजत करते थे। जब ग़ज़वा हिंद होगा तो मैं अपने जान माल असबाब लेकर तो ग़ज़वा हिंद में पहुंच जाऊंगा, अपनी यानी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, जान माले के हुजूर ग़ज़वा हिंद में पहुंच जाऊंगा और जब अल्लाह फताता फरमाएगा, ये उसका मैं खुलासा कर रहा हूं, जब अल्लाह फताता फरमाएगा तो वापस जब लश्कर जाएगा, हुजूर आप फरमा रहे हैं ना कि जब लश्कर वापस जाएगा तो वापस जाके लश्कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेगा, ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेगा। तो जब मैं आगे हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर जब मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अगर मैं ग़ज़वे हिंद में गया, लश्कर ने फतह पा ली, अगर मैं गाजी हो गया, हुजूर मैं वापस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचूंगा और जाकर उन्हें बताऊंगा, क्या जुमला ये सुनने वाला है, फरमाते हुजूर मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अगर मैं पहुंचा ना तो मैं उन्हें बताऊंगा हुजूर मैं आपका सहाबी रह चुका हूं, हुजूर मैं उनको बताऊंगा मैं आपकी सोहबत में रहा हूं, मैं बताऊंगा मैंने आपका दीदार पाया है, मैं बताऊंगा मैं आपकी सोहबत में रहता रहा हूं, यही हदीस के लफ्ज हैं, हुजूर मैं उन्हें ये बताऊंगा कि मैं आपकी सोहबत में रहा हूं, मैंने आपकी ज़ियारत की है, मैंने आपका मुखड़ा देखा है, हुजूर मैं आपकी सोहबत का जिक्र करूंगा और ईसा अलैहिस्सलाम से कहूंगा जी मैं वो बंदा हूं जिसने आपकी दुल्हन की ज़ियारत की है। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब इतना किया हुजूर हदीस बाद में क्या है फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की बात सुन के तो मुस्कुरा पड़े, उनकी बात सुन के मुस्कुरा पड़े। एक हदीस बाद में हुए हुजूर ने फरमाया दूर हुआ यानी कि अबू हुरैरा आप वो ग़ज़वा पाएंगे नहीं, क्या आपसे वो बहुत दूर जाके होगा, मगर उनके जज्बात ये थे कि हुजूर मैं हजरत ईसा की बारगाह में अगर पहुंचा ना तो मैं उन्हें बताऊंगा मैं सहाबी रसूल कैसा मतलब वैसे मैं उन्हें बताऊंगा मैं हुजूर मेरा। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ग़ज़वे हिंद की खुशखबरी अता फरमाई, ग़ज़वे हिंद की खुशखबरी अता फरमाई और उसकी तकमील तब होगी जब आपे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के आखिरी इमाम हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम लश्कर भेजेंगे बैतुल मक़दस से जो हमला करेगा हिंदुस्तान पर और फतह पा के फरमाए उसके बादशाहों को पाबंदे सरासर करके बेड़ियों में जकड़ के तो हज़रत इमाम महदी की बारगाह में पेश करते हैं और उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो चुका होगा। अल्लाह करीम उम्मत मुस्लिमा को वो दिन देखने अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।